हेलो फ्रेंड्स, मैं कुक विथ मीना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बचे हुए चावल का एकदम अमेजिंग सी नाश्ता, जो कि आपने कभी इसे बनाकर ना तो खाया होगा ना तो देखा होगा। ये खाने में बहुत ही लाजवाब का लगेगा। अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। बच्चे या बड़े इसे बहुत चाव से खाएंगे और बनवा कर खाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 1 कप चावल ले लिया है और 1/3 कप सूजी ले लिया है। इस नाश्ते को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस के बनाएंगे, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 मिक्सर जार ले लिया है। इसमें हम पहले सूजी को ऐड कर लेंगे, उसके बाद 1 कप चावल ले लेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश दही ले लेंगे। ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो आप दही को ज़रूर डालें। और 1 हरी मिर्च ले लिया है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक ले लिए हैं। इन सबको हम मिक्स करके पीसेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर यह ज़्यादा गीला हो जाएगा। बस हमें इसे पीस लेना है। इसे हम ढक्कन लगा के पीस लेंगे। हमने यहाँ पे चावल और सूजी को इस तरीके से पीस लिया है। इसका थिकनेस ऐसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हमने इस तरीके से पीस कर ले लिया है। इसे अब हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और अगला तैयारी फिलिंग का कर लेते हैं। पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच काली वाली राई डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इन सबको हम अच्छी तरह से तड़कने देंगे। इसमें हम 1/4 हींग डालेंगे। हींग से डाइजेशन अच्छी होती है। ग्रेट किया हुआ अदरक ले लेंगे और 1 हरी मिर्च को बारीक काट करके ले लिया है। इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे। 1 प्याज को बारीक काट करके ले लिया है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे कुछ हरी सब्जियाँ डालेंगे। हमने यहाँ पे 1 छोटा टेबलस्पून बीन्स ले लिया है, थोड़ी सी कटी हुई गाजर ले लिया है, बस हमने हरा मटर ले लिया है और थोड़ा सा कॉर्न ले लिया है। अगर आपके पास इनमें से कोई सब्जी ना हो तो आप उसे स्किप भी कर दें। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इन सबको हम अच्छी तरह से भूनेंगे और 1 चम्मच अमचूर पाउडर ले लेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला या नींबू भी ले सकते हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें आलू को डालेंगे। हमने यहाँ पे आलू को ग्रेट करके ले लिया है। आलू को भी हम सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम सबसे आखिर में नमक को डालेंगे। लास्ट में हम नमक को ऐड कर लेंगे। हमने नमक को लास्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि आलू से पानी ना रिलीज हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके चला लेंगे। सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। इसमें हम धनिया पत्ता हल्का सा डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे।
ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर नाश्ता को बनाकर खाएं। फिलिंग को हम ठंडा करके लेंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब हम चावल में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिलिंग को हमने नमक डाल के बनाया है, तो इसमें भी हम हल्का ही नमक डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो नमक का आप ध्यान रखें। और 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे, के लिए फेंट लें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में इसे घुमा लेना है। अब ये तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे। हमने यहाँ पे इस तरीके से ब्रेड टोस्टर ले लिया है, तो आज हम इसी में बनाएंगे। इसमें हम तेल लगा लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग को रखेंगे। ये नाश्ता एकदम अमेजिंग का बनके तैयार होगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बिना ब्रेड का हम आपको सैंडविच बनाकर दिखा रहे हैं। इसमें हमने जो फिलिंग बनाया था उसे डाल देंगे। इस तरीके से डाल के ले लेना है। उसके बाद इसके ऊपर से हमें इसे कवर कर लेना है। इसे हम इस तरीके से ढक लेंगे। इसे हमने इस तरीके से ढक लिया है और इसे इस लॉक से हम इसे लॉक कर देंगे। अब इसे हम गैस में रखेंगे। हमने इसे इस तरीके से गैस पे रख दिया है। इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख, आपको इसे तेज आंच में नहीं रखना है, नहीं तो ये फिर जल जाएगा। तो इसे आप लो फ्लेम में ही पकाएं। इसे हम एक साइड से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, दूसरे साइड से भी इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसे दूसरी साइड से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। दोनों साइड से मिला के 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है, एकदम ये ब्रेड की तरह लग रही है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं ये नाश्ता कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है, ये खाने में बहुत ही लाजवाब का लगेगा। इसी तरह हम दूसरा नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं। इसे हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनके तैयार हुई है, खाने में भी ये बिल्कुल लाजवाब का लगेगा। तो ये आप एक बार इस तरीके से बचे हुए चावल का बिना ब्रेड से सैंडविच बनाकर देखें, खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और हेल्दी भी होता है। तो इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसे हम आपको काट के भी दिखाएंगे। एक ब्रेड को हम आपको काट के भी दिखाते हैं कि इसके अंदर का फिलिंग कैसा दिख रहा है। सकते हैं इसके अंदर भी फिलिंग अच्छी तरह से भरी हुई है। तो एक बार आप इस तरीके से सैंडविच बनाकर जरूर खाएं। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा और ये खाने में भी लाजवाब का लगता है। इसे हमने हरी चटनी और मीठी चटनी से गार्निश किया है। इसे आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।